क्या आप अपने लुक से खुश नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि आप बस सूरत हैं, आप अच्छे नहीं दिखते और ऐसे में आप शीशा देखने से घबराते हैं? तो आपको बता दें कि आपको एक डिसऑर्डर हो सकता है। आप अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपकी जो बॉडी है वो फिट है या नहीं है, आप ज़्यादा मोटे तो नहीं हैं या आप ज़्यादा पतले तो नहीं हैं, इन सारी चीज़ों की चिंता अगर किसी व्यक्ति को होती है तो ये सामान्य है। लेकिन जब इनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप मान सकते हैं कि आपको एक डिसऑर्डर हो गया है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। देखिए, इस डिसऑर्डर का नाम है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसे BDD कहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाने में काफ़ी चिंता महसूस होती है, वो काफ़ी परेशान होते हैं, लोगों से बातचीत करने में काफ़ी परेशान होते हैं, अपने शरीर की बनावट के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं। देखिए, इस डिसऑर्डर वाले लोगों को बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, उन्हें अपनी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, वो कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते, किसी से मिलने और जुलने में भी उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी बॉडी को देख रहा है जो कि ठीक नहीं लग रही है, और ऐसा सोचना उनके दैनिक कार्य में काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा करता है, उनकी सोच उनके व्यवहार में भी काफ़ी चेंजेस लाता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ये सिम्टम्स हैं तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर से मिलिए और इसके बारे में बातचीत करिए। तो चलिए अब डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के शरीर की अपनी एक खास बनावट होती है, एक खास विशेषता होती है, लेकिन जो इस डिसऑर्डर के जो ग्रसित लोग होते हैं उनको लगता है कि उनकी बॉडी में काफ़ी कमी है और उनका शरीर जो है वो भद्दा दिख रहा है। ऐसे में जो पतला व्यक्ति होता है वो और पतला होने की कोशिश में लगा रहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी मोटा है, और ऐसे में ये बीमारी लंबे समय के बाद जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये BDD की समस्या आखिर होती क्यों है। देखिए, इसका क्या कारण है ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं निकल के आया है। आपको बता दें कि BDD वाले रोगियों में अक्सर OCD की समस्या भी देखने को मिलती है, जो उन्हें अपनी बनावट को लेकर बार बार सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि ज्यादातर केसेस में इस विकार को फैमिली हिस्ट्री से भी जोड़ा जाता है। अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई डिसऑर्डर किसी को हुआ है तो ये आपके अंदर भी आ सकता है। साथ ही अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी को लेकर समझाया गया है, आपको बोला गया है, आपको बताया गया है, तो आप अपने आप ऐसी चीज़ों का अनुभव करने लगते हैं। वहीं इस डिसऑर्डर के कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को हर वक्त सामने बात करने वाले दो व्यक्ति ऐसे लगते हैं जैसे कि वो उनकी बॉडी के बारे में ही बात कर रहे हों। साथ ही ऐसे लोग अपने रंग को लेकर, अपनी बॉडी की शेप को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं और वो अपनी बॉडी पर ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। ऐसे लोग बार बार शीशा देखते हैं, रात में सो भी रहे होते हैं तो बार बार उठकर वो शीशे को देखते हैं और साथ ही अपने रंग को सुधारने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को लगाने लगते हैं जिससे उनकी बॉडी जो है वो ठीक हो जाए। तो ये थे इस डिसऑर्डर के लक्षण। अगर आपको लगता है कि आप में या फिर आपके आसपास किसी और व्यक्ति में इस तरह के लक्षण हैं तो आप उन्हें डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही और काम की जानकारी के साथ में, जहां हम आपके लिए लेके आएंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।